फिर से आप एडिट पे जाएं, लेफ्ट बटन को क्लिक करें अंडू पर लाकर, जिससे कि एक और लाइन हट जाएगी। फिर वैसे ही करें जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप अंडू का उपयोग कर यहाँ पे क्या क्या गया, पहले अंडू कुछ लाइन एक एक लाइन को डिलीट, यहाँ पे क्या क्या 8-10 लाइन जो भी लिखा है यहाँ पे, लिखने के बाद क्या क्या अंडू कर करके एक एक लाइन को हटा देगा, यहाँ पे वो सारी लाइन यहाँ से हट गई अंडू करने से। अब क्या करेंगे, वो सारी लाइन जो हमने डिलीट किया है हटाया है उसको वापस लाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम रीडू करेंगे। अब जब रीडू करेंगे तो एक एक करके लाइन वो वापस आती जाएगी, ठीक है, प्ले करेंगे कर सकते हैं। आइए अब रीडू करना सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि रीडू का उपयोग क्यों करते हैं? रीडू अंडू के विपरीत होता है, मतलब आप जो भी टेक्स्ट अथवा पिक्चर अंडू करके हटाते हैं आप उसे रीडू करके वापस ला सकते हैं। रीडू का उपयोग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले एडिट मेनू से और दूसरा रीडू करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए आप वीडियो देख कर समझते हैं कि रीडू का उपयोग क्यों करते हैं। अंडू से जैसे अभी आप सब ने अपने पूरे पैराग्राफ डिलीट किया था, रीडू से आप अपने उस लाइन या पैराग्राफ को वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप अपने पॉइंटर को मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और लेफ्ट बटन को क्लिक करें और रीडू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को ले जाएं और लेफ्ट बटन क्लिक कर दें, जिससे कि आपकी लाइन रीडू आ जाएगी। आगे लाइन के लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस वाई होता है। फिर से एक लाइन आ गया, जितने लाइन उन्होंने हटाया था सारे यहाँ पे आ जाएगा। रीडू आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक मेनू बार के एडिट ऑप्शन से जाकर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और शॉर्टकट कमांड। शॉर्टकट कमांड उपयोग करने के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड के एक फिंगर से कंट्रोल बटन को दबा के रखें और दूसरे हैंड के एक फिंगर से वाई के बटन को दबाएं, जिससे कि रीडू होगा जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आप मेनू बार के द्वारा करना चाहते हैं तो आप यहां से करें, और अगर आप कमांड के द्वारा करना चाहते हैं तो आप कमांड का उपयोग करके रीडू करें। तो इस तरह से आप रीडू कर सकते हैं। आइए अब कट सब मेनू के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कट का उपयोग क्यों करते हैं? कट का उपयोग हम किसी भी लाइन या पैराग्राफ को कट करने या उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर पेस्ट करने के लिए करते हैं। कट सब मेनू का उपयोग भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला एडिट मेनू से और दूसरा शॉर्टकट कमांड जो कि कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कट करने के बाद आप उसे दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो आप इसके लिए पेस्ट का उपयोग करेंगे। आइए अब पेस्ट के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पेस्ट का उपयोग क्यों करते हैं? पेस्ट का उपयोग आप कॉपी कट के साथ में करते हैं, क्योंकि कट सिर्फ किसी उस वर्ड को उस जगह से हटाने का काम करती है, लेकिन उस हटाए हुए वर्ड को दूसरी जगह पर लाना चाहते हैं तो आप पेस्ट का उपयोग करेंगे। आप पेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, पहला आप सब एडिट मेनू से और दूसरा इसके लिए आप सब कमांड का प्रयोग करेंगे जो कि कंट्रोल प्लस बी होता है। ध्यान रहे, जब आप कट करना चाहें तो आप उस वर्ड को अथवा पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट करने से कंप्यूटर को यह पता लग जाएगा कि आप उस लाइन अथवा पैराग्राफ को कट करना चाहते हैं। आइए अब वीडियो देखकर समझते हैं कि कट से क्या होता है। कट करने के लिए आप सभी को अपने लाइन या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का विधि आपको बताया जा चुका है। आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें चाहे शॉर्टकट कमांड से या माउस या टचपैड के द्वारा या शिफ्ट या एरो की के साथ में, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस पैराग्राफ को माउस या टचपैड के द्वारा सेलेक्ट करें, जैसे कि ये नीचे वाला पैराग्राफ है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसे हमें कट करना है। तो हम मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर जाएंगे और कट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड
कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग करेंगे तो यह सेलेक्ट किया हुआ लाइन या पैराग्राफ आपका कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा या डिलीट हो जाएगा। अब इसे वापस लाने के लिए आपको पेस्ट का उपयोग करना होगा। पेस्ट के लिए आप फिर से मेनू बार के एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर आएंगे और अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, जिसे कि एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स के अंदर आप सभी पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन को ढूंढेंगे और उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप इसे अपने राइटर के पेज पर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस डी होता है। आप इसे एक बार कट करके एक से ज़्यादा बार पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप कट पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब कॉपी करना सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कॉपी का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपी का उपयोग हम इसलिए करते हैं, अगर आपको उपयोग आप सभी अपने कि सेलेक्ट ऑल से क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। सेलेक्ट ऑल से आप अपने पूरे पैराग्राफ या लाइन जो भी आपने टाइप किया है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएँ और उसके बाद सेलेक्ट ऑल लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आएँ, या फिर इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करें। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करेंगे, आपका पूरा पैराग्राफ या लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
कर लिया तुमने टाइप? तो थ्री लाइन क्लिप नहीं दे, कोई नहीं, अगर दो लाइन भी बहुत है। सबने टाइप कर लिया ना? नहीं बैठे। अगला ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, सर्कल हो गया फाइंड एंड रिप्लेस। पता है फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? फाइंड एंड रिप्लेस कोई वर्ड को ढूंढना। फाइंड से क्या होगा? एडजस्टमेंट करना दूसरा। जैसे आपने कोई पैराग्राफ, आपने एक पेज भी लिखा, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड या किसी एक लेटर को आप ढूंढना चाहते हो, तब हम उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे। फाइंड से क्या होगा? जिस वर्ड को भी आप फाइंड करना चाहते हो, जिससे भी आप ढूंढना चाहते हो, आप जहाँ पे सर्च लिखा होगा वहाँ पे उस वर्ड को टाइप करके आप उसे ढूंढ सकते हो। और रिप्लेस से क्या होगा? जिसे आप मान लो, जैसे यहाँ पे बट लिखा हुआ है, ठीक है, पहले मैंने इसको फाइंड से क्या करूंगा, इसको फाइंड कर लूंगा, अगर इसको मुझे रिप्लेस करना है तो इसको मैं रिप्लेस की मदद से इसे बदल दूंगा। एक बार प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। आइए अब फाइंड और रिप्लेस के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं फाइंड से क्या होता है? फाइंड से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को ढूंढ सकते हैं। ध्यान रहे आप उसी वर्ड को